हेलो, नमस्कार हिंदुस्तान। मैं हूं रोहित भारद्वाज और आपके सामने है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोग अगर एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं, आप अपने फ़ोन के ऊपर किसी भी तरीके से अपने कॉइन्स को रखना चाहते हैं या किसी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ट्रस्ट वॉलेट। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रस्ट वॉलेट को सेफली डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं और कैसे आप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर एंटर होके एक बहुत बढ़िया लेवल पे डिविडेंड्स कमा सकते हैं या किसी भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे ट्रस्ट वॉलेट को हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। जब आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, प्ले स्टोर पे आपने सर्च करना है ट्रस्ट वॉलेट। जब आप ट्रस्ट वॉलेट को सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने आएगा। आपने क्लिक करना है यहाँ इंस्टॉल के ऊपर। जब आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे दिखाएगा अनइंस्टॉल और ओपन। आपको क्लिक करना है ओपन के ऊपर। ओपन के ऊपर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ऐसा आपके सामने आएगा। यहाँ पे प्राइवेट एंड सिक्योर आपको एक प्राइवेट की देने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं, जो आगे प्राइवेट की आने वाली है, बाय चांस आप ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड कर चुके हैं और आपका फोन, सपोज किसी का फोन खो जाता है, क्रैश हो जाता है, डेटा कहीं से उड़ जाता है, या आप नया फोन ले रहे हैं, तो वापस आप इस ट्रस्ट वॉलेट को कैसे नए फोन के अंदर ला सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। अगर आप नए वॉलेट को कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू वॉलेट, और अगर आपके पास पहले से ही है उसको आपने रिकवर करना है तो आप करेंगे आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। जब आप यहाँ पे क्रिएट क्लिक करेंगे क्रिएट अ वॉलेट या आई आई हैव ऑलरेडी अ वॉलेट, तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, दिस इज बैकअप योर वॉलेट नाउ। और अगर आपने पहले से ही जो आपका डाउनलोडेड है उसको करना, तो यहाँ पे वो 12 सीड वर्ड, ये इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल सी 12 वर्ड्स दैट अलाउ यू टू रिकवर अ वॉलेट। अगर आपके पास वॉलेट रिकवर करना है तो ये 12 सीड वर्ड डालने पड़ेंगे। और अब हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे आई अंडरस्टैंड दैट इफ आई लूज माई रिकवरी वर्ड्स आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस माई वॉलेट, और फिर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यू पे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो 12 वर्ड्स आने वाले हैं, ये 12 वर्ड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये 12 सी वर्ड्स आपसे खो जाते हैं तो ना तो आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रखे हुए अपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेस कर पाएंगे लाइफ में, और ना ही किसी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू गए हैं उसको आप रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन किसी भी तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज नहीं लेती। वहां पे सिर्फ आपका एक जो कम्युनिकेशन होता है, एक इंटरफेस जो बना हुआ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके वॉलेट का जो रिसीविंग एड्रेस है उससे बना हुआ होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट स्टेप को आप बड़े ध्यान से देखें। जब आप यहां पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहां पे आपको ऐसे योर रिकवरी फेस दिखाई देगा। इसको आपने बहुत केयरफुली किसी पेपर के ऊपर लिख के रखना है। दो तीन जगह पे लिख के रखेगा, अपने किसी पर्सनल, ऐसा पर्सन जो आपको बहुत ट्रस्टेड पर्सन हो उसके पास रखेगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप इसको कॉपी करके मेल के ऊपर भी ले जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप इसको ऑफलाइन रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद नीचे एक बटन आएगा कंटिन्यू। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे लिखने के बाद, तो यहाँ पे वो आएगा वेरीफाई रिकवरी फेस। अब आपको यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है इम्पैक्ट हार्ट रोज, ये सारे वर्ड यहाँ पे लिखे होंगे। वन बाय वन आपको वैसे ही 1 2 3 4 5 से उसी रिदम के अंदर इसको वापस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप ये सारे के सारे वर्ड्स ऊपर लिख देंगे तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने आपका ट्रस्ट वॉलेट वॉलेट क्रिएटेड लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आप अपने वॉलेट का नेम भी रख सकते हैं, जो भी आपने वॉलेट का नेम रखना हो रख सकते हैं। इसके बाद आपने डन के ऊपर क्लिक करना है। डन पे क्लिक करता ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आपका BTC, यहाँ पे आपका इथेरियम होगा। अब आपने जो BTC अगर यहाँ पे डिपॉजिट करना है तो आप BTC पे क्लिक कीजिए, इथेरियम यहाँ पे करना है तो जैसे ही आप इथेरियम के ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आएगा कुछ ऐसा आपके सामने। और ये आप सब नोन है इससे कि अगर आपने सेंड करना हो कहीं पे इथेरियम तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर रिसीव करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको मिलेगा एक एड्रेस। वो आपको एड्रेस यहाँ पे भी शो कर रहा है, योर रिसीविंग एड्रेस यहाँ पे लिखा है, देखिए रिसीविंग एड्रेस। अब आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये कॉपी हो जाएगा, और जहां से भी आपने किसी वेबसाइट से, किसी एक्सचेंज से, किसी वॉलेट से यहाँ पे ट्रांसफर करना है, यहाँ पे आप अपना इथेरियम लेके आ सकते हैं। ये है ट्रस्ट वॉलेट। इसके बाद बात करके चलते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में आप कैसे एंटर कर सकते हैं। सपोज आपका इथेरियम यहाँ पे आ चुका है, आपने नेक्स्ट फेज के ऊपर जाना है, ये लिखा हुआ है डैप। डैप के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ ऐसा ओपन होकर आपके सामने आएगा। यहाँ पे सर्च और एंटर वेबसाइट URL।
जो भी पर्सन, अगर आप किसी वेबसाइट को जानते हैं तो यहां पे वेबसाइट लिखिए, अगर आपको कोई रेफरल लिंक दे रहा है तो उस रेफरल लिंक को आपने यहां पे रख के प्रोसेस करना है। जैसे आप प्रोसेस करेंगे तो उस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की एक वेबसाइट आपके सामने आएगी, और उस वेबसाइट को जब आप सर्च करेंगे तो सर्च करना है आपने वहां पे बाय टोकन, टोकन लिखा होगा या बाय टोकन लिखा होगा, कुछ भी वहां पे जो लिखा होगा, और जहां पे बाय टोकन लिखा होगा वहां पे आपका जो इथेरियम है वो आपको डिफॉल्ट शो करेगा। आपका जो ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा हुआ इथेरियम है वो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट शो करेगा। अब बात आती है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी लगानी है। तो वहां पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास 10 इथेरियम है, तो आपने 10 इथेरियम में से 99.99, दैट मींस 0.01 इथेरियम आपने वहां पे छोड़ना है ट्रांजैक्शन गैस लिमिट के लिए। और फिर आप क्लिक करेंगे बाय के ऊपर। जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली इथेरियम की गैस फी का एक नोटिफिकेशन आएगा। इस नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा होगा अप्रूव और कैंसिल, आपने क्लिक करना है अप्रूव, और जैसे ही आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे वो नोटिफिकेशन वहां से हट जाएगा और सीधा आएगी कंपनी की अगेन वेबसाइट। आप चेक योर टोकन अंडर होल्डिंग, वहां पे जहां पे होल्डिंग सेक्शन लिखा होगा वहां पे जाके चेक करेंगे तो आपका टोकन वहां पे आपको दिखाई देगा। ये है पूरा प्रोसेस कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट को, कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को, और इस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में एंटर करने के बाद आप एंजॉय कर सकते हैं वो ब्लॉकचेन का, चाहे वो ट्रोन के ऊपर है चाहे वो इथेरियम के ऊपर है, रेगुलर आपको इथेरियम्स वहां पे आते रहेंगे। ये एक बहुत बढ़िया, आज की डेट में मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे टाइम आता गया क्रिप्टो करेंसी का, किसी टाइम पे आईसीओ का टाइम था, ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट्स का मार्केट के अंदर टाइम आया, या 10% 20% का, लेकिन आज की डेट में टाइम जो है वो है कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा 100% सेफ रहता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। सो मैं हूँ रोहित भारद्वाज, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली और वीडियोज आप तक लेता आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।